हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ्स का आज मैं आपको टॉपिक सिखाने वाली हूँ, जिसमें इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ है नहीं स्टूडेंट, काउंट एंड राइट जैसा ही है। बट इसमें क्या दिया है, ये जो फर्स्ट पेज है, यहाँ पर टू पेजेस है। तो फर्स्ट पेज में क्या दिया है कि हाउ टू मेक काउंटिंग ईजी, मीन्स हम काउंटिंग को ईजी कैसे बना सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। लेट अस काउंट द बटरफ्लाइज। स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर टू पिक्चर्स हैं, तो यहाँ पर कुछ बटरफ्लाइज की पिक्चर्स है। फर्स्ट पिक्चर में देखिए सब पे नंबर्स लिखा है, लाइक फर्स्ट बटरफ्लाई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे लिखा हुआ है। बट यहाँ पर एक बटरफ्लाई पे नंबर नहीं लिखा है, मीन्स एक्चुअली क्या है, हैज यश काउंटेड करेक्टली। एक सपोज एक बच्चा है यश, और इसमें कौन है, इज रमा काउंटिंग करेक्ट। यहाँ पर एक रमा है, ये जो है ये पिक्चर यश काउंट कर रहा है, और ये जो पिक्चर है वो रमा काउंट कर रही है। तो इसमें क्या पूछा है कि फर्स्ट इसमें पूछा हैज यश काउंटेड करेक्टली, क्या यश ने काउंट किया है करेक्ट या फिर रमा ने किया है। मतलब यश और रमा दोनों की सेम बटरफ्लाइज है, बट दोनों ने भी अपनी अपनी काउंटिंग की है। तो रमा और यश दोनों के आंसर में डिफरेंस आया हुआ है, तो यहाँ पे ये पता करना है कि किसने करेक्ट काउंट किया है। तो चलिए देखते हैं, सपोज मैं यश हूँ और मैं काउंट कर रही हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए एक बटरफ्लाई वो भूल गया, मीन्स उसने उसको काउंट नहीं किया, उस पर नंबर नहीं, मतलब उसके है 7 बटरफ्लाई, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7, बट उसने 1 बटरफ्लाई मिस कर दिया। ओके, तो इसमें अभी देखिए यहाँ पर भी सेम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बट जो रमा है उसने एकदम करेक्टली काउंट किया है पिक्चर्स को। तो यहाँ पर रमा की काउंटिंग करेक्ट है और यश की काउंटिंग क्या है, इनकरेक्ट, बिकॉज ये एक बटरफ्लाई वो भूल गया है। यहाँ पे सारे बटरफ्लाईज पे नंबर्स हैं, यहाँ पर इस बटरफ्लाई को वो मिस कर दिया है, मीन्स यश ने रॉन्ग किया है और रमा ने राइट किया है। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम काउंट करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है आंसर। तो यहाँ पे वही बताया गया कि कैसे हम काउंटिंग को इजी कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मैजिशियन किंगफिशर केम टू देयर हेल्प। यहाँ पे एक किंगफिशर बर्ड आई हुई है जो कि एक मैजिशियन है, मैजिक करती है, ऐसा बोला गया है इसमें। ही टोल्ड द बटरफ्लाइज टू स्टे इन अ लाइन। अब देखिए इस किंगफिशर ने क्या किया, बोला कि सारे बटरफ्लाईज आप सब एक लाइन में आ जाओ, ये किंगफिशर ने कहा। ओके, जिसको मैजिशियन किंगफिशर कहा गया है, एक जादूगर किंगफिशर। तो चलिए अब इसने क्या कहा कि सारे बटरफ्लाई एक लाइन में आ जाओ, इज द काउंटिंग इजी नाउ। अब वही सेम देखिए यहाँ पे ये जो बटरफ्लाई पिक्चर में दी है ना 7, वही बटरफ्लाईज अब यहाँ पे लाइन से खड़ी हो गई है। देखिए ट्री के ये ग्रास या ट्री जो भी है उस ग्रासेस के ऊपर ये लाइन से आ गए। देखिए अब काउंट कीजिए कितना इजी होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, यहाँ पर काउंट करना बहुत इजी। बट ये जो यहाँ ऊपर नीचे ऐसे है तो इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते बच्चे, कभी कभी एक दो मिस कर देते हैं तो, या फिर एक्स्ट्रा काउंट कर देते हैं तो वो मिस्टेक हो जाती है। बट यहाँ पे लाइन से है तो आप आराम से पेंसिल से भी स्ट्राइक करके से कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इट्स सो इजी। तो इसीलिए देखिए जब आप स्कूल में होते हैं या आप आपको क्यू में खड़ा किया जाता है, लाइन से काउंटिंग करना है टीचर को, अभी बच्चे हैं बैठे हैं यहाँ, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे गैदर हुए हैं, बट वो लाइन से नहीं है तो थोड़ा काउंटिंग डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी ज्यादा चीज आपको काउंट करना हो या चिल्ड्रन काउंट करना है तो उनको फर्स्ट क्यू में खड़ा करिए, तो उससे वो आसानी से काउंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक ये चीज भी सिखाने के लिए बच्चों को दी गई है कि लाइन से अगर कोई चीज अरेंज हो तो वो अच्छी तरीके से काउंट की जा सकती है। ओके, तो जस्ट एन एक्टिविटी है ये भी एक। सो व्हाट इज इजी और काउंटिंग चिल्ड्रन व्हाइल दे आर प्लेइंग और व्हाइल दे आर स्टैंडिंग इन अ रो। यस, क्या बोला है कि अगर बच्चे खेल रहे हों तब काउंट करना इजी होता है, या फिर वो एक रो में खड़े हों लाइन से तो इजी होता है। ऑब्वियसली स्टूडेंट अगर हम लाइन में खड़े हैं या फिर बच्चे लाइन में खड़े तो उनको काउंट करना ज्यादा इजी होता है। तो बस बच्चों को ये समझाने के लिए कि आपको भी जब टीचर ऐसे बोले प्रॉपर स्टैंड होना है सबको क्यू में, ताकि काउंटिंग ईजी हो सके। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है अब यहाँ पे, ये चीजें आपको बच्चों के साथ डिस्कस करनी है, यहाँ पर दिया हुआ है, टीचर्स को भी डिस्कस करना है स्टूडेंट के साथ। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्या है। ज्वाइन द पिक्चर विद द करेक्ट नंबर एज यश हैज डन फॉर यू। यस, यश ने क्या किया है, काउंट किया है पिक्चर। अब देखिए सब लाइन से है, यहाँ पे सारे पिक्चर्स लाइन से, अब काउंटिंग करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 1 पीकॉक है, तो 1 नंबर कहाँ है, यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी मैच करके दिया है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, चलिए
यहाँ पे ये कुछ रेट्स हैं, रेट्स हैं, इसको हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है 7 नंबर कहाँ है, तो ये रहा, मुझे मिल गया है 7 नंबर, तो मैं इससे इसे मैचअप कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर बर्ड है, कुछ पेंगुइन जैसी नजर आ रही है। चलिए देखते हैं कैसे काउंट इसका कितना है काउंटिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यस, अब ये 8 कहाँ पर है, ये रहा, 8 मुझे मिल चुका है, तो मैं इसे 8 से मैच कर दूंगी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ मॉस्किटोज दिख रहे हैं, कितने हैं, चलिए देखते हैं, 1, 2 एंड 3। तो यस, 3 मुझे मिल गया है, तो मैं इसे 3 से मैच कर दूंगी। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड दिया, यहाँ पे राइट साइड भी कुछ पिक्चर्स दिए हैं। देखिए फर्स्ट पिक्चर कॉकरोचेस है यहाँ पे, तो कितने कॉकरोच है हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो वेर इज 9, 9 इज हियर, सो वी हैव टू मैच नंबर 9। ओके, नेक्स्ट है कुछ फ्रॉग्स है यहाँ पे, चलिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यस, 5 मुझे मिल गया है, ये रहा नंबर 5, तो इसे हम मैच कर देंगे। अब यहाँ पे एलिफेंट्स हैं, कितने एलिफेंट्स हैं स्टूडेंट, 1 एंड 2, तो 2 कहाँ पर है, यहाँ, तो इसे हम 2 से मैच कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ स्नेक्स हैं, देखते हैं स्नेक कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, सो देयर इज द नंबर 4, हियर इज द नंबर 4, सो वी हैव टू मैच द नंबर 4 हियर। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज व्हाट, सी हाउ मेनी टोटल्स इज हियर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यस, टोटल 6 टोर्टोइज है, तो हम इसे नंबर 6 से मैच कर देंगे। तो ये देखिए कितना इजी था ना, लाइन से अरेंज किया हुआ है, तो हमें बहुत ही इजी है काउंट करना। तो यहाँ पे काउंट एंड राइट कंप्लीट हो गया है। हमेशा काउंटिंग आराम से स्लो से स्ट्राइक करके करें, तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है, हेल्प रमा टू ज्वाइन नंबर्स 1 to 9 इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। यस स्टूडेंट, यहाँ पे एक लड़की रमा है। अब ये है आपका मतलब एक कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट, तो इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, क्या बढ़ना, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ती, पहले हम छोटे से बच्चे थे तो हमारी हाइट छोटी थी, फिर और बड़ी 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 मीन्स छोटे से थोड़ी बड़ी हुई, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, तो जिसे हम ऐसे भी कह सकते कि स्मॉल टू बिग। अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं याद रहता तो आप ऐसे याद रखिए कि स्मॉल टू बिग, इंक्रीजिंग मीन्स स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा होना, तो स्मॉल टू बिग। तो आपको इस नंबर्स को स्मॉल नंबर से लेते हुए बड़े नंबर तक जाना है, मतलब पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर थोड़ा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ओके, ये सारे डॉट्स नजर आ रहे हैं स्टूडेंट। यस, तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे, देखिए 1 डॉट है, 1 के बाद कितनी डॉट आएगी, 2, तो देखिए इसे 2 से मैच कर दिया। अब 2 के बाद क्या आता है, 3, तो हम इसे 3 से मैच कर देंगे। 3 के बाद 4, चेक करते हैं यहाँ पे कहीं 4 है, यस ये रहा 4, तो इसे 4 के पास ले जाएंगे। अब 4 के बाद क्या आता है स्टूडेंट, 5, तो चलिए चेक करते हैं 5 कहाँ है, ये रहा नंबर 5, इससे मैच कर दिया। अब 5 के बाद आता है नंबर 6, तो 6 कहाँ है, मुझे तो मिल गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 5 को 6 से करेंगे। अब 6 को 7 से करते हैं, तो ये भी मुझे मिल चुका है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो ये 6 से जाएगा 7 की तरफ। अब 7 से 8 की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं 8 कहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसे हम 8 से मैच कर देंगे। अब 8 के बाद आता है नंबर 9, तो 9 चलिए चेक करते हैं कहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा लास्ट नंबर था, तो 8 को हम 9 से कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ज्वाइन कर दिया है 1 से लेके 9 नंबर तक। अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है, चलिए देखते हैं क्या है, जस्ट फॉर फन, बस आपको थोड़ा मजेदार बनाने के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए, अगर आप बोर हो रहे तो। चलिए देखते हैं क्या है, राइट योर नेम। ओके, आपको अपना नाम लिखना है, काउंट द नंबर्स ऑफ लेटर्स इन योर नेम एंड द नंबर्स ऑफ लेटर्स इन योर फ्रेंड्स नेम। यस, आपको आपको आपके नंबर का लेटर्स और अपने फ्रेंड के नंबर्स का लेटर लिखना है, फिर क्या करना है, उसे कंपेयर करना है, कंपेयर द नंबर ऑफ लेटर्स इन डिफरेंट नेम्स
आप बहुत सारे नेम से कंपेयर कर सकते हो, विच नेम हैज मैक्सिमम लेटर्स, यस, कि चेक करना है कि किसके नाम में ज्यादा लेटर है। जैसे कि मैं, मेरा और मेरी फ्रेंड का, हम मैंने दोनों नाम लिखा, तो उसमें आपको कंपेयर करना है किसके नाम में ज्यादा लेटर्स हैं। ओके, ऑल्सो राइट 5 letter words और आपको एक 5 letters के नेम भी लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे एक नाम रिया, देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, ये रिया हो गया एक नाम, और दूसरा नाम मैंने ले लिया वेदिका, क्या ले लिया, वेदिका, वेदिका। अब मुझे कंपेयर करना है, ओके, किसके नाम में ज्यादा लेटर्स है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 1 कट किया, यहाँ पे 1, 2 2 3 3 4 4, देखिए 4 से पूरा 4 कट हो गया, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा भी बच गए हैं लेटर्स, मीन्स ऑब्वियसली वेदिका के नाम में 2 लेटर्स एक्स्ट्रा है। कितने लेटर्स एक्स्ट्रा हैं स्टूडेंट, 2 लेटर्स एक्स्ट्रा है, मीन्स मोर है। ओके, मीन्स रिया में 4 था और वेदिका में 4, और 2 कितने हो गए, 6 थे, तो 6 - 4 कितना हो गया स्टूडेंट, 2, आंसर इज 2। और क्या बोला था, 5 letter names, तो 5 letter name किस में होते हैं, देखिए मैंने एक नाम यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, SURAJ, चलिए चेक करते हैं क्या ये 5 है, 1 2 3 4 5, यस, जो कि नाम है सूरज। ओके, सूरज में 5 letters आते हैं। तो स्टूडेंट आपको, आपको भी ऐसे बहुत सारे नेम्स कंपेयर करके देखना है कि किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, और 5 letter names आप ढूंढिए किस किस नाम में 5 letters होते हैं, लिस्ट बनाइए 5-6 नाम की या 10 नामों की। तो ये एक्टिविटी यहीं पर ख़त्म होती है, साथ साथ हमारा हाउ टू बी काउंट ईजी ये भी टॉपिक ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।